हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका राजस्थानी जायका चैनल पर। और आज हम बना रहे हैं मूंग दाल की कचौरी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूंग दाल की कचौरी बनाने के लिए हम पहले आटा लगा देंगे। मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। अब हम इसमें 2 कटोरी मैदा डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच अजवाइन ले ली है। इसको ऐसे हाथ से क्रश कर लेंगे और ये डाल देंगे अंदर। अब हम इसमें 3-4 चम्मच घी डालेंगे। घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसका एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। कचौरी का आटा हमेशा सॉफ्ट लगाना चाहिए। ये देखिए, हमने एक सॉफ्ट आटा लगा दिया है। अब इसको ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक आटा रेस्ट पे है, तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। कचौड़ी की फिलिंग बनाने के लिए पहले हम कुछ ड्राई मसालों को पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 छोटा चम्मच साबुत धनिया लिया है, ये डाल देंगे इसमें। 1 छोटा चम्मच जीरा लिया है, ये डाल देंगे। 2 छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने सौंफ ली है, ये डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर काली मिर्ची ली है, ये डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स लिया है, ये डाल देंगे। अगर आपके पास सूखी मिर्ची है लाल वाली तो वो डाल दीजिए चिली फ्लेक्स की जगह। अब हम इन सबको पीस लेंगे। ये देखिए, हमने मसाला पीस लिया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे। यहाँ पर मैंने भिगी हुई मूंग दाल ली है, ये बिना छिलके वाली मूंग दाल है। मैंने इसको 3 से 4 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। अब इसको जार में डालकर पीस लेंगे। अब हम मूंग दाल को थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, दाल को हमने पीस लिया है, ये देखिए। अब इसको साइड में रखेंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल ले लिया है। तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। गैस की फ्लेम को हमें लो पर रखना है। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हींग और जो मसाले हमने ड्राई पीसे थे वो डाल देंगे। 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक, 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें दाल का पेस्ट डाल देंगे। साथ में डालेंगे 2 छोटा चम्मच बेसन। चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच इसमें काला नमक डालेंगे। 1 चम्मच भरकर हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे।
ये देखिए हमारे कचौरी की फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम इसको पूरी तरह ठंडा होने देंगे। दाल का मिक्सचर ठंडा होता है तब तक हम आटे की पेड़े काट लेते हैं। ये देखिए इसको हमने रेस्ट पे रखा था, ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसके पेड़े काट लेंगे। ये देखिए हमारे दाल का मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब हम इसको कचौरी में भर लेंगे। अब हम कचौरी बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए हमें एक ऐसी लोई ले लेनी है। अब इसको ऐसे फैला दे, हाथों से एक कटोरी बना दे। ये देखिए इस तरह से एक कटोरी बना ले। अब हम इसमें दाल का मिक्सचर डालेंगे। अब हम इसके कोनों को ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह से बंद करते जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए हमारी कचौरी तैयार हो गई है। थोड़ा सा प्रेस कर कर इसको फैला देंगे। ये देखिए हमने कचौरी बना ली है। इस तरह से आपको बना लेनी है। इसी तरह हम सारी कचौरियाँ बना लेंगे। ये देखिए हमने सारी कचौरियाँ बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए कचौरियों को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल को हमें ज़्यादा तेज गर्म नहीं करना है, हल्का सा गर्म होना चाहिए। ये देखिए तेल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके कचौरियाँ तल देंगे। कचौरियों को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। गोल्डन ब्राउन होने तक कचौरियों को फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी कचौरियाँ फूलने लगी है। ये देखिए इस पर एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने दीजिए। ये देखिए कचौरियों पर गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इनको बाहर निकाल देंगे। और इसी तरह बाकी सारी कचौरियाँ भी फ्राई कर देंगे। इसी तेल में थोड़ी सी हम हरी मिर्च भी फ्राई कर देंगे। ये देखिए तैयार है हमारी मूंग दाल की कचौरी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।